देखते भाई आइसोमर्स क्या होते हैं हम लोगों के। आइसो का मतलब होता है आप लोगों का क्या, सेम, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जिसका क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर जो है आप लोगों का वो क्या हो, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम इसकी क्या होंगे आप लोगों का, हाउ मेनी, जैसे आप लोगों का क्वेश्चन किस तरीके से आएगा बोर्ड में, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आइसोमर आर पॉसिबल फॉर C5H12 ड्रा द स्ट्रक्चर। इस तरीके से आएगा अराउंड आप लोगों के 10th के बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन 101% एक आप लोगों को देखने से मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपका नॉर्मल चेन बनाओगे 1, 2, 3, 4, 5। अब आप लोगों को पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, 4। तो सभी के लिए 1, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। यहाँ पे 1, 2, तो कितना, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3H3। मतलब आप लोगों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला देख सकते हो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन है, ओके कंडीशन है। नेक्स्ट कार्बन देखोगे 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12 हो जाएगा, तो ये भी कंडीशन ठीक है। नाम क्या हो जाएगा आप लोगों का, आप लोगों को पता है हाई पैक आप लोगों को आता है, इससे पहले हाई पैक हो चुका है आप लोगों का, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, पेंटेन। 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो नाम हो जाएगा आप लोगों का पेंटेन। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट, अब नाम आप लोगों का हर एक का क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, समझ आ रहा है। तो अब इसमें देखोगे 1, 2, 3, 4, अगर आप नंबरिंग इस तरीके से कर सकते हो 1, 2, 3, तो जो आप लोगों का सब्सिक्वेंट है वो किस पे आ रहा है, 3 पे, यहाँ पे आ रहा है आप लोगों का 2 पे, समझ आ रहा है। बोलो बोलो जी, तो 2 क्या हो जाएगा आप लोगों का, 2-मिथाइल, कितना हो जाएगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कितने कार्बन, 1, 2, 3, कहीं से भी कोई भी चेन ले लो आप, या तो ये ले लो या फिर ये वाली 1, 2, 3, ओके 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3, कोई भी आप ले सकते हो, तो कितना हो गया 1, 2, 3, क्लियर है। तो कितना नाम क्या हो जाएगा आप लोगों का इसका, 2-2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2-2-डाइमिथाइल प्रोपेन, समझ आ रहा है। अगर आप लोग देखोगे, अगर इसका और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, तो देखो आप लोग कितने कार्बन है, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आप लोग यहाँ पे लगा दो, हमने यहाँ पे इस तरफ से यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे देख पा रहे हो, तो आप लोग वहां से नंबरिंग करोगे फिर, तो वो भी तो कितने पे आ रहे हैं, 2 पे ही तो आ रहे हैं, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए आइसोमर्स आप लोगों के कितने पॉसिबल है, 1, 2 and 3 आइसोमर ही पॉसिबल है, और कोई हो सकता है बता सकते हो आप लोग, नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता आप लोगों का C6H14, और आप लोगों को पहले ही बताया मैंने C6H14 ये किसका फॉर्मूला है आप लोगों का, एल्केन का फॉर्मूला है, किसका है जी, एल्केन का, ठीक है ना, एल्केन, एन का मतलब आप लोगों का क्या, सिंगल बॉन्ड आएगा सभी के बीच में, तो कितना हो गया C, कितना होता है आप लोगों का CnH2n+2, तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हो, इससे कितना हो गया आप लोगों का C6H, कितना हो गया 12, 2 × n 14, समझ आ रहा है, प्लस में कितना 2, तो ओके कंडीशन है, मतलब आप लोगों का सिंगल ही बॉन्ड प्रेजेंट होगा किसमें, C6H14। बोलो भाई क्लियर है जी। अब सबसे पहले तो आप लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल बनाना, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हेक्सेन। अभी जैसे पार्थ को क्या आ रही थी प्रॉब्लम, आ रही थी किसमें भाई आप लोगों को, किसमें, नंबरिंग में, नंबरिंग में भी आ रही थी और नाम लेने में भी, तो 1 कार्बन होगा तो आप लोग क्या बोलोगे, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, हेप्टेंट, पेंट, फिर क्या हो जाएगा, हेक्स, फिर क्या हो जाएगा, हेप्ट, फिर ऑक, नन, डेका, अनडेका, डूडेका, ठीक है, फिर हम आगे चलते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का 10th तक ही आएगा, 10th तक ही कार्बन आएंगे आप लोगों की चेन में, तो 10th तक ही आप लोगों को याद कर ले, समझ आ रहा है। तो नाम हो जाएगा इसका बोलो कितने हैं, 6, तो कितना हो जाएगा, हेक्सेन आ गया आप लोगों का, किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए, बोलो क्लियर है जी। नेक्स्ट रंगीन कर देते हैं आप लोग इजीली वो थोड़ा सा, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, हमारी पीसीसी में प्रिंसिपल कार्बन चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं और एक 2 पे क्या रहे, सबसे पहले तो 1, 2, तो कितना हो जाएगा, 2-मिथाइल पेंटेन, बोलो क्लियर है जी। नेक्स्ट
वन टू थ्री फोर, या फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर, एक ही बात है या नहीं है? या आजू से दे लो या फिर बाजू से, होगा तो एक ही भाई, समझ आ रहा है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे टू थ्री थ्री डाई मिथाइल, क्योंकि सेम ग्रुप है लोगों का, डाई मिथाइल मिथाइल कितने हो जाएंगे? ब्यूटेन ब्यूटेन। बोलो और कुछ भी बन सकता है क्या? बोलो बोलो, कोशिश करके देखो। कुछ लोग कहेंगे सर ये भी तो बन जाएगा, हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा फिर? टू 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 डाई मिथाइल, कितने हैं? प्रोपेन ब्यूटेन, कितना हो जाएगा? वन टू थ्री फोर, तो कितना हो जाएगा? टू टू डाई मिथाइल, टू टू डाई मिथाइल, कितना? ब्यूटेन। ये भी पॉसिबल है भाई, टू थ्री पे है ना ये तो पॉसिबल, किस पे है? टू थ्री पे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं सी थ्री एच एट का क्या पॉसिबल है, सी थ्री हाँ जी, सी थ्री एच एट का क्या क्या पॉसिबल है? सी थ्री एच एट में क्या हो सकता है? एक दो तीन, ठीक है, यहाँ पे हो गया सी एस थ्री सी एस टू, और यहाँ पे हो गया आपका सी एस थ्री, क्लियर है? और कुछ पॉसिबल हो सकता है? कोई नहीं सकता, क्या करोगे आप? यहाँ पे लगाओगे फिर भी वही है वन टू थ्री, तो एक इसका कितना इसोमर पॉसिबल होंगे? वन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का सी फोर एच टेन, कितना है? सी फोर एच टेन, तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन नॉर्मल है, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। फिर हमें दूसरी तरीके से लिखना है इसको, क्या कर सकते हैं? वन टू थ्री, और एक यहाँ पे आइसो कंडीशन बना सकते हैं। बोलो तो क्या हो जाएगा? टू 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 पे क्या जाएगा? टू मिथाइल, और कितने कार्बन है हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन में? तीन, तो तीन के लिए क्या हो जाएगा आप लोगों का? बोलो कितना हो जाएगा? प्रोपेन, क्लियर है? नेक्स्ट है आप लोगों का C6H14, ये वेरीफाई है आप लोगों को कि क्या होगा आप लोगों का? सिंगल ही क्या होगा? बॉन्ड। तो नाम बोलिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना हो जाएगा? इसमें बोलिए टू मिथाइल, टू मिथाइल पेंटेन, पेंटेन, टू मिथाइल पेंटेन, और क्या कंडीशन हो सकती है? वन टू थ्री टू डाई मिथाइल फोर, तो कितना हो जाएगा? थ्री थ्री, नहीं सर, वेरी गुड, उधर यहाँ से वन टू थ्री फोर, तो कितना हो जाएगा? टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं वन टू थ्री फोर, तो कितना हो गया? टू टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन, मिथाइल और ब्यूटेन। और कुछ बन सकता है हमारा? बन सकता है भाई, अभी हमने क्या किया था यहाँ पे आप लोगों का? टू पे क्या लगाया था आप लोगों का? मिथाइल। अब हम क्या कर सकते हैं? थ्री पे मिथाइल लगा सकते हैं। फिर कहीं बोलेंगे सर आप फोर पे भी तो लगा सकते हो, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे फोर, अरे हुआ तो वहीं से टू पे ही ना, नाम तो सेम ही रहेगा ना, तो ये आइसोमर नहीं कहलाएगा, ये भी पॉसिबल होगा। तो इसके कितने पॉसिबल है? वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसके लिए कितने पॉसिबल आइसोमर? ठीक है, समझ में आया? तो आइसोमर्स क्या था आप लोगों का? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या था आप लोगों का? नेम, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा, यही आएंगे, मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, डबल बॉन्ड वगैरह के यही आप लोगों में क्वेश्चन यही मिलेगा आप लोगों को, सिंगल बॉन्ड के लिए स्ट्रक्चर में, ठीक है। आइसोमर आप लोगों को कैलकुलेट करके बताना है, एक नंबर में भी आ सकता है और दो या तीन नंबर में भी आ सकता है। एक नंबर में कैसे आएगा? लाइक आप लोगों से पूछ लिया जाएगा C3H8 या फिर C6H14 के कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है, तो उसके लिए C6H14 के लिए कितने होंगे पॉसिबल? 5, क्लियर है? आप लोग अपने आप बना के देखोगे।